नमस्कार, जय श्री राम, जय माता की। मित्रों, और कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस मंत्र का सिर्फ एक माला जाप करके आप संसार की किसी भी शक्ति को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं और उसको अपने वशीभूत कर सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र को दुर्वासा ऋषि ने माता पार्वती को दिया था। उस वक्त माता पार्वती कुंवारी थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो दिया तो ये शादी के लिए था कि आप संसार में किसी भी व्यक्ति पर आकर्षित हों तो उसी व्यक्ति पर आप इस मंत्र का 108 बार जाप करके फूंक मार देना, वही व्यक्ति संसार का आपके कदमों में होगा और आप उसे अपना वर चयनित कर सकती है। मित्रों, और उसी मंत्र में केवल दो शब्दों का खेल है, वो व्यक्ति के लिए था लेकिन ये संसार की शक्ति के लिए है। मंत्र वही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, और यही मंत्र संसार के वशीकरण के लिए काम करता है। ऐसा मंत्र है जो कि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। मित्रों, जो व्यक्ति साधना करते हैं और साधना करते करते उनको कोई शक्ति का आभास नहीं होता है, तमाम शक्तियों की साधना करके देख ली, शमशान में करके देख ली, घर में करके देख ली, मंदिर में करके देख ली, लेकिन उनको कोई अनुभव नहीं होता है, तो सिर्फ एक माला इस मंत्र का एक बार जाप करके देख लो। लेकिन विधि के अनुसार, आज मैं आपको जो विधि बताऊंगा उसके अनुसार इस मंत्र का एक माला जाप करके देख लेना, आप संसार की किसी भी शक्ति का आभास कर सकते हैं और वो शक्ति आपके वशीभूत हो जाएगी। मित्रों, अगर आप संसार के किसी भी व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं तो इसी मंत्र के द्वारा सिर्फ आपको उस व्यक्ति का नाम जोड़ना है इस मंत्र में, और वही मंत्र सर्वजन वशीकरण का काम करेगा। और इसी मंत्र से जो योगिनी होती है, योगिनी भी प्रसन्न होकर के आपके पास तक चल करके आएगी। जी हां मित्र, तो इस मंत्र की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अन्य सभी साधकों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ वो भी प्राप्त कर सके। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मंत्र अनुचित कार्य के लिए प्रयोग करना सख्त मना है। अगर आपका कोई जायज मकसद है, शक्ति को बुला करके आप उससे कोई जनकल्याण कराना चाहते हैं, या किसी भी व्यक्ति को वशीभूत करके अपना मन चाहा जायज काम लेना चाहते हैं, या फिर किसी भी योगिनी को बुला करके अपनी रक्षा के लिए उसे अपने पास रखना चाहते हैं, तभी इस मंत्र का प्रयोग करना अत्यावश्यक है, अन्यथा नाजायज मकसद के लिए कोई भी मंत्र कार्य नहीं करेगा। और ये मंत्र दुर्वासा ऋषि ने माता पार्वती को दिया था। माता पार्वती अपने मन इच्छित वर प्राप्त करने के लिए दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गईं और बोली कि हे महर्षि, मुझे ऐसा सुंदर वर चाहिए, किसी भी प्रकार से आप मुझे दिलाइए। मित्रों, दुर्वासा ऋषि ने उनकी हृदय और उनके मन को देखते हुए उनको ये मंत्र प्रदान किया था एक योगिनी का, कि आप पार्वती इस मंत्र को 108 बार जाप करना, और संसार में आप जिस भी व्यक्ति को पसंद करती हैं आपको वही वर प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, दुर्वासा ऋषि ने वो मंत्र माता पार्वती को सौंप दिया और पार्वती ने उस मंत्र का जाप किया, जो कि वो भगवान भोलेनाथ को पसंद करती थी, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इस योगिनी के मंत्र में इतनी बड़ी ताकत है कि इस मंत्र से योगिनी सिद्ध हो जाती है और आपका हुक्म नहीं टालती, और इसी मंत्र में योगिनी की जगह पर
दो शब्दों का खेल है कि उसका एक माला जाप करने पर संसार की कोई भी शक्ति हो, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक हो, उनका भी सिंहासन डोल जाएगा। मित्रों, इस मंत्र का जाप करने का विशेष समय भी होता है। जिन लोगों की शादी नहीं होती है, हमारे तमाम ऐसे भाई बहन हैं कि उनकी शादी में विलंब होता है, यानी शादी नहीं हो पाती है, पढ़ लिख करके तैयार हो चुके हैं, किसी किसी की नौकरी भी लग गई है, लेकिन फिर भी शादी के योग नहीं बन रहे हैं, कोई ना कोई दोष आकर के उनकी कुंडली को घेर लेता है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, तो वो इस मंत्र को माता पार्वती के अनुसार शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को एक एक माला जाप करते रहें तो कुछ ही दिन में उनकी शादी हो जाएगी और उनके सारे कुंडली के दोष खत्म हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, ये शास्त्रों में प्रमाणित है, आप किसी भी शास्त्र में ये बातें मिल जाएं तो आप देख लेना, और नहीं तो आपको पता है कि आज के समय में संसार के सभी वेद पुराण शास्त्र गीता भागवत इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है, आप वहां जाकर के पता कर लेना। और मित्रों, जो साधक साधना में सफलता चाहते हैं, किसी भी योगिनी को अपने पास खींचना चाहते हैं, तो इस मंत्र को एक ऐसे विशेष समय पर जाप किया जाता है, जैसे अभी महाशिवरात्रि का समय आ रहा है, इधर होली आ रही है, सिर्फ एक दिन में आप किसी भी योगिनी को अपने वशीभूत कर सकते हैं और वो योगिनी आपको अपना आभास करा के देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से होता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं तो इस मंत्र को एक बार आपको सिद्ध करना पड़ेगा। आप होली की रात्रि को या अभी जो महाशिवरात्रि आ रही है उस रात्रि को नगन अवस्था में बैठ करके और इस योगिनी के मंत्र का जाप करेंगे तो वो योगिनी आपके प्रभाव में आएगी और इसी मंत्र से संसार के किसी भी व्यक्ति का वशीकरण करवा के देती है। अगर आप इस मंत्र के द्वारा किसी भी योगिनी को अपने वश में करना चाहते हैं, उसको अपने प्रभाव में लाना चाहते हैं, तो मंत्र इस प्रकार आप जाप करेंगे। ओम ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जगमश्य मुख हृदम मम वश्यम आकर्षय आकर्षय नमः। मित्रों, इस मंत्र से योगिनी आपके प्रभाव में आती है। अगर आप संसार की किसी भी शक्ति की साधना करना चाहते हैं और उसको अपने प्रभाव में लाना चाहते हैं तो इसी मंत्र में दो शब्दों का खेल है। आपको यहां से योगिनी योगिनी शब्द हटाना है और आपको ओम ह्रीं श्रीं सर्वशक्ति योगेश्वरी योग वहंकरी सकल स्थावर जगमश्य सर्वशक्ति मम वश्यम वश्यम आकर्षय आकर्षय नमः। इस मंत्र का जाप करना है, इससे संसार की कोई भी शक्ति हो वो आपके तरफ खींची चली आएगी। ये बहुत ही प्राचीन मंत्र है और इसी मंत्र से माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को अपने मन अनुसार वर प्राप्त किया था और ये सीधे सीधे योगिनी का मंत्र जाप करने पर आप संसार के किसी भी व्यक्ति को आकर्षण कर सकते हैं और उससे अपना मन चाहा काम ले सकते हैं। जो व्यक्ति शादी के लिए परेशान रहते हैं उनको मैंने बता दिया, शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को जाप कर सकते हैं सिर्फ एक माला, और हर शुक्ल पक्ष के सोमवार को एक माला जाप करते रहें तो आपके शादी के योग बन जाएंगे और आपकी शादी संपन्न हो जाएगी। और सर्व शक्तियों को आप अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि की रात्रि
और होली की रात्रि, दीपावली की रात्रि, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की रात्रि को इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करेंगे तन मन धन से, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और हर शक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगी। ये बहुत ही प्राचीन मंत्र है। इसको जाप करने के लिए, वशीकरण के लिए करना चाहते हैं तो आपको नग्न अवस्था में बैठना पड़ेगा। अगर आप सर्व शक्तियों के लिए जाप करना चाहते हैं तो आपको केसरिया वस्त्र धारण करके एक निर्जन स्थान पर बैठ करके, ना आपको कोई दीपक जलाना है, ना अगरबत्ती धूपबत्ती जलानी है, ना आपको कोई अनुष्ठान करना है, सिर्फ आपको नहा धो करके केसरिया वस्त्र पहन करके रुद्राक्ष की माला लेकर के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके इस मंत्र का 108 बार खुले आसमान में बैठ करके जाप करना है। मित्रों, इतना करने पर संसार की कोई भी शक्ति आपको साक्षात आभास करा के देगी और उसकी विधि अनुसार जितना उसका समय होता है, अगर आप उसकी साधना करेंगे तो वो शक्ति आपके वशीभूत होकर के जीवन भर आपका साथ देगी और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगी। तो मित्रों, आप इस मंत्र का जाप करें और इसका पूरा पूरा लाभ लें। मैं आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।